मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप TV20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर 17 जनवरी को समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जनपद फतेहपुर के थाना औंग के ग्राम बनियान खेड़ा में मृतक दीपक विश्वकर्मा के घर गत दिनों दीपक विश्वकर्मा की हत्या के मामले की जानकारी लेने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह मंजर यार, जिला महासचिव प्रेमनाथ विश्वकर्मा, राजेंद्र सिंह वर्मा, मोहन साहू पूर्व चेयरमैन बांदा ने ग्राम बनियान खेड़ा में मृतक दीपक विश्वकर्मा के घर पहुंचकर उनके माता पिता तथा परिजनों से मुलाकात की और घटना की पूरी जानकारी एकत्र की। सूचना के अनुसार औंग कस्बा में दीपक विश्वकर्मा की सहज जन सेवा की दुकान थी, जिस पर बगल गांवगढ़ के गौरव सिंह का जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर विवाद हो गया। 9 जनवरी को गौरव सिंह ने दीपक विश्वकर्मा का दुकान से कंप्यूटर प्रिंटर छीन ले गया तथा इसको जान से मारने की धमकी भी दी। 11 जनवरी को रात्रि 10 बजे गौरव सिंह विवाद बढ़ने पर अपने साथियों के साथ मिलकर दीपक विश्वकर्मा की हत्या कर दी तथा लाश को बगल के रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। घटना की जानकारी पुलिस को होने पर तथा शव की पहचान होने पर बिना परिवार वालों का इंतजार किए थाना पुलिस औंग ने पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। काफी दबाव के बाद में दूसरे दिन थाना अध्यक्ष औंग ने गौरव सिंह तथा 3 अन्य के विरुद्ध FIR दर्ज की। थाना औंग की पुलिस हत्यारों को बचा रही है। क्षेत्रीय दबाव व घेराव के बाद पुलिस अधीक्षक ने थाना अध्यक्ष औंग को हटा दिया और मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। अन्य हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तथा विश्वकर्मा समाज के नेता व अन्य प्रतिनिधि तथा ग्रामवासी मौजूद थे। सभी लोगों में हत्याकांड को लेकर आक्रोश दिखा। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल जनपद के ग्राम उरौली थाना में ललौली निवासी स्वर्गीय आशीष साहू घर पहुंचकर मृतक परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही और जानबूझकर हत्यारों को बचाया जा रहा है। असली अन्य हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए। सपा राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा, संपूर्ण रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे तथा उनके निर्देश पर आगे कार्रवाई की जाएगी।